हेलो फ्रेंड्स, ड्यू टू सम प्रॉब्लम द लास्ट लेक्चर इज वेरी शॉर्ट, सो कंटिन्यूइंग दिस द कंटेंट ऑफ द लास्ट लेक्चर, मैंने बताया कि रिफ्लेक्शंस के केस में इतना सारा चीज तो हो गया। अब क्योंकि ये नॉर्मल है और ये मिरर है, मिरर पर ये नॉर्मल है तो मिरर पर का स्लोप, मिरर का जो स्लोप है वो माइनस ए बाई बी हो गया, तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो बी बाई ए हो गया, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन होना है। ठीक है, चलिए, तो एम वन और एम थ्री का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस वन हो जाएगा, इसलिए एम थ्री जो है बी बाई ए हो जाएगा। हमने क्या कहा यहाँ पर कि एंगल आर और एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है दोनों बराबर है, इसलिए नॉर्मल जो है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इसलिए हम इक्वली इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो यही चीज लिखे हैं, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। क्या कॉन्सेप्ट था कि आई इज इक्वल टू आर, दोनों में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, दोनों तरफ टेन लगा दिए, तो टेन आई इज इक्वल टू टेन आर। अब टेन आई कैसे लिखेंगे, तो टेन आई एंटी क्लॉकवाइज फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम टू माइनस एम थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस एम टू इंटू एम थ्री इज इक्वल टू, फिर टेन आर कितना हो जाएगा फाइनली, इधर यहाँ आया फाइनल, मतलब एम थ्री माइनस एम नॉट डिवाइडेड बाई वन प्लस एम थ्री इंटू एम नॉट इज इक्वल टू। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एम नॉट का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपको प्रोवाइड कर देगा रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप, और पी पॉइंट पता है तो हम रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेट अस सी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर, चलिए, हेलो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा हुआ बोर्ड पे, कह रहा है रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग x माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल जीरो, अपॉन रीचिंग द लाइन 3x माइनस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल जीरो द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब एक लाइन को एक एक लाइट रे को किसी लाइन के अलोंग भेजा गया, मतलब इंसिडेंट रे पता है, और किसी एक लाइन पर टकराया है, पहुंचा है, और उस लाइन पर पहुंचने के बाद वो रिफ्लेक्ट किया, मतलब वो मिरर होगा। तो कहता है कि रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मतलब जस्ट प्रीवियस थ्योरी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूशन, फिगर बना लेते हैं, फिगर से बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। ये आपका मिरर है, मिरर, और मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना है जी मिरर का इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से स्लोप निकाल लो, तो इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1, m1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2, क्योंकि कॉफिशेंट होता है x का डिवाइडेड बाई y का कॉफिशेंट, और माइनस साइन लगा दिया, तो यहाँ स्लोप निकल गया। एक इंसिडेंट रे आया है यहाँ पर, और आने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यही हमको निकालना है। ठीक है, इंसिडेंट रे का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना है जी, तो ये हो जाएगा x माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल जीरो, इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2, और m2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू। ठीक है, ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया n नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका i एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल हो गया r एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिए। इसका स्लोप m1 है, m2 है, यहाँ m3 ले लेते हैं, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे का जो स्लोप है वो हम मान लेते हैं, ये हम m0 मान लिए, ये हम मान रहे हैं से। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये आपका p पॉइंट हो जाएगा, और ये p पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है सॉल्व करके, किसको किसको, इंसिडेंट रे और मिरर को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, p पॉइंट को निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 point P। ठीक है, सॉल्व कर लो, किसको किसको, तो x माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा 3x माइनस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एक बार फिर से देख लेते हैं, x माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, 3x माइनस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ हो गया माइनस टू एक्स, और यहाँ पर 5 में से 3 घट गया तो 2, तो हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल 0, तो यहाँ से x बराबर हो गया 1। जब x 1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा जी, तो किसी एक में डाल दीजिए, तो x 1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2y बराबर प्लस 2, तो y बराबर माइनस 1। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P आया ये हो गया आपका 1, -1, तो पॉइंट P निकल गया आपका, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट P पता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं अब स्लोप। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली इंक्लिनेशन, ठीक है, इक्वली इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूं। चली गई, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे वी हैव, ठीक है, क्या लिखेंगे, टेन आई इज इक्वल टू टेन आर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका आई का मतलब M2, तो ये हो जाएगा M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 इनटू M3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M3 माइनस M0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 इनटू M0। चलिए, जो भी डाटा आपको पता है उसका वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे M2 का वैल्यू डालेंगे तो M2 हो जाएगा हाफ माइनस M3 हो जाएगा प्लस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू एम थ्री कितना हो गया माइनस 2 बाई 3 माइनस एम नॉट, और ये हो जाएगा माइनस 2 एम नॉट बाई 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 7 बाई 6 इंटू, ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 एम नॉट डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 एम नॉट, ठीक है। ये इसके साथ कट गया तो हो जाएगा 7 बाई 4, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 7 4, तो ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 12 एम नॉट इज इक्वल टू 7 21 माइनस 7 2 14 एम नॉट। इसको इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा 2 एम नॉट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 29, इसलिए एम नॉट का जो वैल्यू आया वो हो गया 29/2, ठीक है। तो ये एम नॉट का वैल्यू आ गया आपका, तो स्लोप भी पता हो गया और पॉइंट भी पता हो गया, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा जी, तो वाई माइनस वाई वन, पॉइंट आपको पता था तो वाई प्लस वन इज इक्वल टू स्लोप 29/2 एक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2y+2 इज इक्वल टू 29x-29, तो यहाँ हो जाएगा 29x-2y, हाँ, और -31 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन हो गया। एक बार मैं इसका आंसर को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 29x-2y-31 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है।